स्टूडेंट, तब अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.3 रियल नंबर के करने वाले हैं, ठीक है। एंड फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो इससे पहले हम लोगों ने थ्योरम 1.4 कर लिया, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने प्रूव क्या किया था कि रूट 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का स्टूडेंट्स, अगर रूट 2 हो, रूट 3 हो, रूट 5 हो एंड रूट 7 है, सारे का लैंग्वेज लिखने का तरीका सेम है, बस डिजिट्स चेंज हो जाएंगे, बाकी सारा प्रोसेस सेम होगा, ठीक है। तो इसमें भी क्या करना है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले रूट 5 को क्या करेंगे, एक रेशनल नंबर कंसिडर करेंगे। तो चलिए करते हैं, ठीक है। लेट रूट 5 इज अ रेशनल, ठीक है, और रेशनल नंबर है तो उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। देयरफॉर रूट 5 इक्वल्स टू ए बाय बी, पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख लिए, और ये क्या, ए एंड बी आर को प्राइम्स है, को प्राइम। और को प्राइम का मतलब दोनों नंबर में क्या होगा, सिर्फ वन होगा कॉमन फैक्टर, उसके अलावा कोई भी दूसरा नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखिए प्रोसेस सेम है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, रूट 5 इंटू बी इक्वल्स टू ए, फिर क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वी गेट क्या होगा, 5 बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब यहां क्या हो जाएगा, यहां क्या कर लेंगे हम लोग, 5 बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर आ गया। तो करना क्या है, अब इसको प्रोसेस सेम है भाई, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय 5, इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देयरफॉर 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। अब 5 एक प्राइम नंबर है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो सिंपली ए को भी डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड्स ए। अब देखिए ये हमारा इक्वेशन था 1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ए के लिए एक वैल्यू हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, और वो नंबर क्या होगा, उसके साथ एक कांस्टेंट सी या कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन 5 उसमें रहेगा, ठीक है। ये बनाने में क्या होता है, आसान हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगेन पुट ए इक्वल्स टू 5c फॉर एनी वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पेस्ट करेंगे तो इक्वेशन 1 क्या है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए के जगह पे 5c, ये 5c का स्क्वायर 25c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, ये 5 टाइम्स में कट गया तो कितना आ गया, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। अब यहां से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसको इस तरीके से, बी स्क्वायर बाय 5 इक्वल्स टू सी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो रहा है फ्रेंड्स, ये 5 क्या कर रहा है, बी को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसको हम लोग कर सकते हैं 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, देयरफॉर 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, दिस इंप्लाइज क्या, 5 डिवाइड्स बी। अब ये 5 बी को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है, पहले तो 5 क्या किया, ए को डिवाइड किया एंड नाउ बी को भी डिवाइड किया, इट मींस दैट 5 क्या है, ए एंड बी दोनों में कॉमन फैक्टर है। लेकिन हम लोगों ने क्या कंसीडर किया था कि ए एंड बी आर कोप्राइम, कोप्राइम है तो इसका होगा कॉमन फैक्टर, और कुछ नहीं हो सकता। तो यहां पर हमारा एजम्पशन क्या बता रहा है कि हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने अज्यूम किया कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है, ठीक है।
तो ये क्या हो गया, देयरफॉर फाइव इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, ठीक है। दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग दैट रूट फाइव ए एंड बी आर को ब्रांच, देयरफॉर रूट फाइव है वो क्या है, इज अ इरेशनल। एक ये रूट फाइव क्या हो गया, इरेशनल हो गया। इसी तरीके से अगर क्वेश्चंस में आ जाए रूट सेवन को भी प्रूफ करना, रूट इलेवन को प्रूफ करना, तो हम लोग उसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आप हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, इससे हमारे नेक्स्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।